अरे कहाँ से आ रहे हो भाई, आओ बैठो। बैंक गया था मार्च की अपनी दी हुई किश्त वापस लेने, पर किसी कारण से मुझे इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों भाई, क्या तुम्हारा खाता रेगुलर नहीं था? नहीं, मैंने जनवरी और फरवरी की किश्त भी नहीं दी थी। भाई समझो, सिर्फ उन लोगों के खातों जो हमेशा रेगुलर रहे हैं और पहली मार्च को भी रेगुलर थे, यह सुविधा केवल उनके लिए है। पर तुम्हारी किश्तें तो रेगुलर थी, फिर तुम क्यों नहीं अपनी किश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बैंक गए, जबकि ये सुविधा बैंक दे रहे हैं? नहीं, मैं अपनी किश्तें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? भाई हमें समय पर तनख्वाह मिल रही है तो बेवजह किश्तें क्यों बढ़ाएं? पर सरकार ने हमें ये सुविधा दी है। भाई ध्यान से सोचो कि इन 3 महीनों का जो ब्याज लगता रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज होकर हमें ही बाद में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भविष्य का क्या पता, अगर ये ब्याज दर बढ़ गई तो हमारे पर ही ज्यादा भार पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम सक्षम हैं तो समझदारी अभी किस्त चुकाने में है। हाँ सही कह रहे हो,